अली की अम्मी, अब अली आए ना तो उससे यही बातें ना शुरू करते हैं। बीबी मैंने तो पहले भी उससे कुछ नहीं कहा। चलो अच्छा किया कि तुमने नहीं कहा, लेकिन ये लड़की वाली बात तो बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि इसे मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ इस तरह कि जैसे वो लड़की कभी थी ही नहीं। तो बैठे बैठे बता रहा था किस तरह सुहेल ने सारे घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। दरवाजे पहले खुले कब थे जो अब बंद कर दिए उसने? ये तो है बीबी, लेकिन फिर भी बीमार बच्चा और उसके साथ ये सुलूक। अली बगैर बताया है अपने बाप को? जी ऐसा ही होना था। जो बच्चा माँ के साथ कर सकता है तो बाप के साथ भी तो ऐसा होना चाहिए। नहीं बीबी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। चोटें ज्यादा तो नहीं आई? आई तो है, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुमने सादिया की कोई खबर ली? नहीं, कुछ पता नहीं। मुझे इस तरह उसे छोड़ के आना नहीं चाहिए था। तो दोबारा चली जाओ ना माँ। सोचूंगी बीबी, और पहले अपने मसलों से तो निकल आऊं। औलाद बड़ी होती है तो माँ बाप के मसले हल करती है, और एक हमारी औलाद जो रोज कोई नया मसला खड़ा कर देती है। अली की अम्मी, अली की अम्मी। हाँ रशीदा, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्या हुआ? ये तुम्हारे बहनोई का दो दफा फोन आया था, उन्हें फोन कर लो। नजर भाई का? हाँ रुक बीबी, मैं जरा एक मिनट। अम्मी क्या बात है? यहाँ आइएगा। एक मिनट, क्या ये लगा दें? मैं कोर्ट जा रही हूँ, तुम्हारे खालू ने बुलाया। क्यों, खैरियत? मैं प्लास्टिक के रिश्तों से कब से ताल्लुक हो गया? खाना बना दिया मैंने, यखनी भी तैयार है, पी लेना। मैं चलूं? नहीं, चली जाऊंगी। सारी दुनिया में तो मैं ले लेके फिरती रही हूँ, यहाँ भी चली जाऊंगी। वैसे भी जिन लोगों से मिलके तुम्हें अजनबी अजनबी सा लगता है, बेहतर है उनसे ना ही मिलो। लो भाई, सब हो गया खैर से। शुक्र है। लो मरियम, तुम्हारा हिस्सा। पर भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। जितना भी है तुम्हारा हिस्सा है। ये तुम हर खुशी के मौके पर रोने क्यों शुरू कर देती हो? क्या करूं भाई साहब, मुझे खुशियां मिली ही कहां, और अब जब मिल रही है तो उनसे जिनको मैंने सिर्फ तकलीफ दी। मरियम, तुम क्यों खुद को गुनहगार समझती हो? देखो, हर इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। तुमने जो भी फैसला किया उसे ऑन करो, और फिर खुदा ने तुम्हें इतनी लाइक फाई को लात दी है, देखना वो कल को कैसे तुम्हारा नाम रोशन करेगा। जी भाई साहब, खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन आजकल तो औलाद भी अपने माँ बाप का सर झुका देती, सब एहसान भूल जाती। ये तो है, लेकिन तुम्हारा अली तो मिसाल है दूसरों के लिए।
रेजा रेजा जोड़ के पहाड़ बनाया मैंने भाई साहब। वो तुमने बानो से बात की थी ना अली के बारे में? मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कुछ भी कहने के लिए। तुम दूर रही हमेशा, लेकिन हम तुम्हारी खामोशी भी समझते हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है भाई साहब, वरना लोग तो कहा हुआ भी नहीं समझते। मैंने बानो से बात की थी इस सिलसिले में। जी भाई, वही सभा के सिलसिले में। पर भाई साहब मैं कह रही हूँ कि पहले अली कहीं पहुंच जाता तो। अरे अली इतना ज़हीन बच्चा है, उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है, और फिर वो जो भी करेगा अच्छा ही होगा। जी पर भाई साहब मैं आपके और अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। शर्मिंदा तुमने तो क्या होना है, लेकिन इस तरह की बातें करके तुम शर्मिंदा करती जरूर हो। नहीं भाई साहब, मेरे लिए इससे बढ़ के क्या खुशी होगी कि जहाँ से मैं कटी थी मैं उसी जगह से जुड़ जाऊँ। लेकिन वो अली। अरे अली को क्या होना है, वो इतना लाइक फाइक बच्चा है, तुम उसके फ्यूचर के बारे में बिल्कुल फिक्र मत किया करो। नहीं भाई साहब बात ये नहीं है, असल में मैं डरती हूँ इस बात को जबान पे लाते हुए भी। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे हैं और हमारी हर चीज पे तुम्हारा हक है। तुम ये समझो कि तुम्हारी अमानत रखी है हमारे घर, जब चाहे आना और ले जाना। जी भाई साहब चले आओ। यार कुछ दिनों की बात है, फिर सब इजी हो जाएगा। देख यार मैं तुझे सब खुल के बता चुका हूँ, मेरा तो ख्याल है ये चैप्टर बंद करते। यार बीबी खाला ने अच्छा नहीं किया। वाकई पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी है ये बात। यार आमिर यार कुछ भी कर, मेरा उससे रابطہ करवा देगा। हाँ एक तरीका है, तू कोई कबूतर ट्रेन कर ले या कोई चिपकली। हाँ चिपकली कर ले, दीवार दीवार से होती भी ले जाएगी तेरा लव लेटर। यार आमिर प्लीज। ओ भाई तू कोई ठंडी चीजें खा, तेरी वजह से उसकी पढ़ाई खत्म हो रही है। बल्कि आशी बता रही थी उसकी अम्मी उसे गांव भेज रही मामू के पास, जहां वो अपना खानदानी काम यानी भैंसों का दूध धोना सीखेगी। जी भाई साहब आप आएंगे नहीं घर? नहीं मैं अब चलूंगा। और हाँ तुम ये पैसे संभाल कर रखना, किसी को इनकी हवा भी मत लगने देना, बल्कि बेहतर तो ये है कि इनसे कोई प्लाट वगैरह लेकर तो रखे। जी भाई साहब मैं ऐसे ही करूंगी। हाँ तो ये चिड़िया तो गई, अब तू अपनी किस्मत की तार पर कोई और चिड़िया बिठा। वो कहाँ जा रहा है, अभी तो आया तू। यही शुक्र कर मैं आ गया, ना मुझे तो हर सेकंड बीबी आंटी की तस्वीर नजर आ रही है। और अगर तेरी अम्मी आ गई तो? यार वो नहीं आएंगी यार, अपनी बहन के यहाँ गई है वो। यार तेरी कैलकुलेशन सिर्फ पेपर में ठीक होती है, आम जिंदगी में तू फेल है बेटा। और मैं तेरे चक्कर में रिस्क ले लूं और आंटी आ जाए, मुझे तो देखते ही समझ जाएंगी या तो दूध ला रहा है या लेके जा रहा है। दूध? वही पैगाम, मैंने सुना है बीबी आंटी ने अपने गुस्से में 4 दफा मेरा नाम लिया। यार बीबी खाला बिना मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया था? हम घटिया प्लानर है तू। मरवा दिया। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक जी, ठीक है अली, मैं चलता हूँ ऑफिस। नहीं नहीं तुम जा कर रहे हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी मैं तो बस अभी भी आया था अली को पूछने, फिर आऊंगा इंशाल्लाह। हाफिज अली। हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। कोई फोन आया था? किसका? तुम्हारे अब्बू का? नहीं। उसका मतलब है उन्हें पता नहीं चला तुम्हारे आने का अब तक। पता चल भी जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? अली अगर नफरत करनी है तो खुल के करो,
ताकि सुबह तक तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स में से तुम्हारे बाप का नाम हटवा दूं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो उस तरह रहना होगा जिस तरह मैं चाहती हूँ, उस तरह नहीं जिस तरह तुम चाह रहे हो। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना यहाँ से भी बगैर बताए चले जाना। अब तो तुम्हें आदत हो चुकी है ना बगैर बताए चले जाने की। अच्छा किया तूने भाभी को घर भेज दिया। हाँ जरूरी था, जब से आई थी यहीं बैठी हुई थी। मेरा तो ख्याल था कि तू भी घर चला जाता, थोड़ा सा आराम कर लेता, अली को भी देख लेता। अली को सुबह देख लेगी, इतनी तब्दीली की तवक्को तो की जा सकती है उससे। लेकिन अगर तू घर चला जाता तो अली ज्यादा कंफर्टेबल फील करता। हाँ लेकिन अब सादिया को छोड़कर मैं जा तो नहीं सकता यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए हो, आराम वगैरह कर लेती, क्या हो गया? मैं था ना यहाँ पे। नहीं नादिर, मेरा घर पे दिल नहीं लगता, यहाँ महसूस होता है कि मैं सादिया के करीब हूँ। आप हौसला रखें भाभी, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। हाँ वो अली कैसा था, खाना वाना खाया उसने? अली तो घर पे नहीं है। क्या मतलब वो घर पे नहीं, कहाँ गया वो? मतलब ये कि घर पर कोई भी नहीं था अब्बू, जब हम गए तो ताला लगा हुआ था वहाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिना बताए चला गया। यार अब बता मैं क्या करूं, यहां देखूं या वहां देखूं? मैं वहां देख लूंगा यार, तो यहां देख, यहां तेरी ज्यादा जरूरत है। मैं चलता हूं, जल्दी वापस आऊंगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बताइए मैं उस वक्त और क्या करती? आप लोग सब इतने परेशान थे खुद, इस सब में मैं भी अपना ढिंढोरा पीटना शुरू कर देती। हाँ वो आ गया था सुबह ही, ठीक किया उसने। नादिर इस बात को छोड़ें कि क्यों ठीक किया, ये वक्त नहीं इन सब बातों का। आप सादिया का बताएं। हाँ खुदा खैर करे, तो कोई और अस्पताल नहीं है क्या? जी हाँ ठीक है, हाँ मैं आऊंगी दो तीन दिन तक। जी ओके, खुदा हाफिज़। अली का पूछ रहे थे क्या? हाँ उन्हें अब पता चला कि वो वापस आ गया। लो उसे आए तो जमाने हो गए, उन्हें अब पता चला है? वो अस्पताल में थे ना इसलिए। ठीक है ठीक। सादिया की कैसी तबीयत है? ठीक नहीं है, डॉक्टर्स भी साफ नहीं बता रहे। खुदा खैर करे। अली की अम्मी उनसे कहो कि आयत करीमा का खत्म करवा दें। रशीदा मैं बहुत परेशान हूँ। खैर है, क्या हुआ? मेरे बहनोई ने खुद मुझसे कहा है अली के मुताबिक। मतलब? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं चाह रही थी। ओ हाँ। उन्होंने मेरी बहन से बात की है और कहा है कि वो अमानत है मेरी उनके घर में, जब चाहे ले जाओ। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है। काश होती, काश।
अली की अम्मी मुझे पता है कि तू क्यों परेशान है। अली इस मसले से निकल जाएगा। जब बंदा बीमार होता है ना तो उसे ठीक होने में कुछ दिन तो लगते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां कभी नहीं जाती। क्यों सोचती हो ऐसा? थोड़े दिन दो खुद को भी और उसको भी। अभी बहुत वक्त पड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो अपने खानदान से दोबारा कट जाने से बहुत डर लगता है। अगर ऐसा हो गया ना रशीदा तो मैं या तो खुद मर जाऊंगी या किसी और को मार डालूंगी। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। मैं चाय बनाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं मैं चलती हूँ। कौन? वाहिद। अंकल खैरियत इस वक्त? बेटा इतनी देर से फोन मिला रहा हूँ, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम लोग सो रहे थे। आप कुछ परेशान लग रहे हैं? बेटा वो साथिया का इंतकाल हो गया। क्या? हम लोग निकले। साथिया, साथिया, अपनी माँ के पास वापस आ जाओ। सोफिया को होश आ गया। क्या आप सोच कर? नहीं मरिया, हम तो तेरे लिए आए थे। अगर बीपी आ सकती ना तो मैं तो बिल्कुल ना आती। मुझे तो ये औरत एक आंख नहीं भाती। कुछ नहीं हो सकता साथिया को, मुझे माफ करो, मेरे पास वापस आ जाओ। तुम जाके देख लो अगर जरूरी है। हम लोग निकलते हैं, असलम भाई ने गाड़ी भी वापस करनी। बेटा जरा असलम भाई को बुला। खाला आप लोग जा रहे हैं? हाँ बेटा, असलम भाई से कहो गाड़ी निकालें, उबैद भाई को भी कह देना। अम्मी हम लोग भी चलेंगे के साथ? बिल्कुल भी नहीं। अम्मी प्लीज मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। जैसा भी लग रहा है अभी नहीं जा सकते। खाला प्लीज अम्मी से कहें ना। अली तो फिर मुझे जाने दे, मुझे वाकई यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। देखो जरा इसे। जाने तो मरियम, वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रशीदा नातिर क्या कहेंगे? वो सब लोग आए हुए, कैसा लगेगा उन्हें? अम्मी अब्बू को जो सोचने सोचने थे, बस आप मुझे इजाजत दे दें। अच्छा तुम असलम भाई और उबैद भाई को कहो मैं तुम्हारी इजाजत लेती हूँ। अम्मी प्लीज। मरियम सादिया एक वाहिद पुल था इस घर का और तुम लोगों का भी। आप यहाँ कौन है? वो किसके लिए रुके यहाँ? जाने दो, कह देना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रशीदा अभी तो साथिया को दफना किया नहीं, सब लोग बैठे हुए हैं, ये तो भाई है। इस बार बता के जाना चाहता है तो जाने दो उसे, आगे तुम्हारी मर्जी। मरियम बहन किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। बस भाई दुआ करें ये वक्त सबर से गुजर जाए। आमीन। तो फिर अली को भेज रही है हमारे साथ? नहीं नहीं हम लोग कॉल करके ही आएंगे।
इतने दिन वो हॉस्पिटल में रही तुम लोगों ने बताया तक नहीं। हमें तो कुछ पता नहीं चला, सभी समझते रहे बेहोश। होश आ जाएगा उसे। बात मामूली हो या बड़ी हो बेटे, बताना तो चाहिए था ना। ये पानी वहां दिया है। कुछ खा रहे, कुछ ला दो आपको। आपको इस टाइम पे आराम की जरूरत है, प्लीज सबर करें, हौसला करें, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आया मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ा। उठे उठे अब हम कभी नहीं मिलेंगे। आखिरी मंजर डूब चुका है, कब्र की ताजा मिट्टी से एक जिस्म की खुशबू आती है। अच्छा किया तुम चले गए, पैरों से एक रिश्ते की जंजीर तो टूटी। नफरत अपना पहला सच था, नफरत अपना आखिरी सच है। तुमने जो पुल बांधा था वो टूट चुका है। चंद दिनों का साथ हमारा छूट चुका है। मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था, तुम यहाँ पे हो? जी भाईजान। अली कहाँ है? उसी का इंतजार कर रही हूँ, बाहर निकला था थोड़ी देर के लिए। नादिर पूछ रहा है अली का, और वो उनसे दूर भाग रहा है। पिछली दफा आया था तो सुहेल ने घर के सब दरवाजे बंद कर दिए थे, शायद इसीलिए। आज कब्रिस्तान में भी बाहर खड़ा हुआ था, सबने नोट किया ये बात। इन दोनों घरों के दरमियान हाथिया आखिरी पुल थी। अब वो पुल नहीं रहा तो यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है मरियम, एक और पुल है नादिर। जब तक वो है उस वक्त तक ये ताल्लुक टूट नहीं सकता। खैर मैं कुछ देर तक निकलने लगा हूँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम? सोच रही थी मैं भी अब निकलूँ, लेकिन अली आया नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक आ जाएगा। अली आ जाए तो मुझे बता देना, इकट्ठे निकल चलेंगे। जी भाई जी। अब क्या खाना क्या पीना, मेरा तो सब कुछ छिन गया। ये नुकसान तो हम सबका है नादिर, मुझे तो खुद ऐसा लग रहा है जैसे दोनों हाथ खाली हो गए हूं। तुमसे जो प्यार मैंने करना था वो सादिया ने किया।
मेरी किस्मत में शायद प्यार लिखा ही नहीं था, इसीलिए वो चली गई। मैं भाईजान के साथ वापस जा रही हूँ। लेकिन वाहिद तो भी थोड़ी देर में जाने वाला है, गाड़ी को चेक करवाने गया है बस। हाँ पता है, उन्हीं के साथ जा रही हूँ। कुछ दिन के लिए रुक जाती मरियम, जाना तो है ही। नादिर आप सोफिया को सुहेल को वक्त दें, टूट गई है वो बिल्कुल। मनी की वजह से तो ये दिन देख रहा हूं मैं। नादिर इस वक्त आपका उनके करीब रहना बहुत जरूरी है। मरियम नादिर साथ ये एक आखिरी भरम था जो टूट चुका। मैं भी उसी मातम में हूं जिसमें आप हैं। कौन कहां रोता है इससे क्या फर्क पड़ता है, रोना तो है ही। सामने रोए तो एक दूसरे के आंसू झूठे सच्चे लगेंगे। आप बस अपना ख्याल रखें, बाकी सब कुछ भूल जाए। जा रही हूँ अबू, मेरे किसी से कोई झगड़ा नहीं। अबू आप मेरे लिए तो आएंगे ही, तो सुहेल भाई का ट्रांसफर रुकवा दीजिएगा। आपको बुलाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। अब मुझे सादगी से दफन कर दीजिएगा सादिया।
क्या हुआ है नातिर? कत्ल हुआ है। क्या? हाँ, तुम क्या समझ रही थी? सादिया ने खुदकुशी की है। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। अस्पताल में इसलिए खामोश रहा कि मुझे उम्मीद थी कि सादिया खुद ही उठ के सब बता देगी। चली गई, फिर बेटी तो दुख सहने वाली थी। तुम दोनों ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। क्या हो गया तुम्हें आज? कैसी बातें कर रहे हो? चुप करो। अब कोई झूठ नहीं चलेगा। सिर्फ इसलिए कि वो मरियम और अली से हमदर्दी रखती थी, तुमने क्या कुछ नहीं कहा उसे? किस मुंह से तुम दोनों मातम कर रहे थे? हाँ, कौन से आंसू थे वो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी बेटी मरी है, मेरी जिंदगी चली गई है मेरे हाथों से। ये हुआ है। तुम्हारी सादिया चली गई। मेरी क्या थी वो? मेरी बच्ची भी तो गई है। माँ बाप क्या कुछ नहीं लगते? डांटते नहीं अपनी औलाद को? तुमने तो मुझे कातिल बना दिया। मेरी भी बच्ची मरी है। मरी नहीं है वो, कत्ल हुई है। तुमने कत्ल किया है उसे अपने बेटे के साथ मिलके, और तुमने उसे सब कुछ कहा होगा। अब देखो कैसी मासूमियत है तुम्हारी शक्ल पर। खत पढ़ा है तुमने? तुमने ट्रांसफर का जिम्मेदार उसको ठहराया होगा ना? तभी तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने के लिए उसने ये सब कुछ कर लिया। खत? हाँ, खत। ये खत, ये देखो। जिसे नहीं जाना चाहिए था वो चली गई, और जिसे जिसे यहां नहीं होना चाहिए था वो है। चुप करो, मत कहो मुझे अब्बू। सादिया, बता दिया है उसने मुझे, तुम कातिल हो उसके, कातिल हो तुम। देखो अब्बू, प्लीज मत कहो मुझे अब्बू। आज के बाद बेहतर होगा कि अपनी शक्ल भी मत दिखा मुझे। तुम्हारा ट्रांसफर मैं दोबारा करवा रहा हूं। इसी ट्रांसफर के लिए सादिया की जान गई है ना? इस हादसे को बेस बनाकर तुमने ये ट्रांसफर रखवाया है ना? कहो अपनी मां से कि वो इस बार कुर्बानी देकर ये ट्रांसफर रखवाए। शायद ये कुर्बानी दे ही दे। दफा हो जाओ, तुम मेरी बेटी के कातिल हो। तुमने कत्ल किया है मेरी सादिया को।
मुझे माफ कर दो नानिया, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो।